अच्छा बताओ कहाँ जा रही हो घूमने? इस बंदे को देखिए, सुबह हम जब उठा रहे थे तो ये न उठ के और नहाया भी नहीं, जब नहाया नहीं है तो ये मंदिर में जा भी नहीं रहा। अभी हम लोग खड़ा है उंझा रेलवे स्टेशन, जो गुजरात से के अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे उंझा रेलवे स्टेशन है, और सुबह के 6:30 हो रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं माउंट आबू। तो आज का दिन दोस्तों माउंट आबू में हम लोग का दिन होगा, और माउंट आबू के बारे में हम आपको बताएंगे, वहाँ का व्यू दिखाएंगे, वहाँ पे क्या क्या घूमने लायक है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं और अमरावली एक्सप्रेस हम लोग पकड़ेंगे। अमरावली एक्सप्रेस उंझा से पकड़ने के बाद हम लोग उतरेंगे माउंट आबू। तो माउंट आबू में चल के हम आपसे मिलते हैं, रास्ते में आपको व्यू दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो स्टेशन के बारे में हम बात करें तो पहले इस स्टेशन का नाम, पहले यह स्टेशन उन्नावा के नाम से जाना जाता था, और अब ये उंझा रेलवे स्टेशन के नाम से विख्यात है। अच्छा बताओ कहाँ जा रही हो घूमने सुबह सुबह? बताओ इतना सुबह कौन उठता है? तो पहाड़ पे जा रहे हैं घूमने। बोलो बताओ पहले कहाँ जा रही हो? टॉफी 1, 2, 3, 4 टॉफी दिलाएंगे आप। बताओ कहाँ जा रही हो घूमने? कहाँ पे? तो माउंट आबू। माउंट आबू क्या है? माउंट आबू में तो पहाड़ है। पहाड़ है? तुम खुद ही पहाड़ हो। झील है, झरना है। झरना है, झील है। तो हाय कर दो इसमें, हाय करो, चॉकलेट दिलाएंगे पक्का। हाय करो, सही से करो। तो दोस्तों करीब 8:40 में हम लोगों का जो स्टेशन था आबू रोड स्टेशन, वहाँ पर उतर गए। करीब 2 घंटे का रास्ता तय करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं आबू रोड। वहाँ बाहर जाने के बाद आपको आसानी से सवारी गाड़ी मिल जाएगी 2500 रुपया में, पूरा स्टेशन से हिल स्टेशन में जाने का, और फिर वापस पूरा माउंट आबू घुमाने का, और वापस स्टेशन में छोड़ने का 2500 रुपया लिया है। तो अब हम लोग निकल चुके हैं रास्ते में। ये माउंट आबू है क्या, इस जगह पे क्या खास बातें हैं? तो मैं माउंट आबू पहुंचने के बाद मैं आपको उस
माउंट आबू के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। माउंट आबू में क्या है घूमने लायक और क्यों यह फेमस है राजस्थान का, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। यहाँ से अब माउंट आबू की चढ़ाई शुरू होती है। आबू रोड रेलवे स्टेशन से माउंट आबू की जो दूरी है करीब 28 किलोमीटर की दूरी है और सीधा खड़ा चढ़ाई 18 किलोमीटर का है, नीचे से लेकर माउंट आबू तक है। कुल मिला के यानी कि 50 किलोमीटर की दूरी हम लोग तय करेंगे। तो इस 50 किलोमीटर की दूरी में क्या क्या सीन पड़ता है और क्या क्या नज़ारे पड़ते हैं हम आपको इस वीडियो में दिखाते रहेंगे। ऊपर देख सकते हैं ऊंचा ऊंचे पहाड़ है, तो नीचे गहरी गहरी खाई है। तो हिल स्टेशन का यह पहला हम लोग का घूमने वाला जगह श्री शंकर मठ मंदिर है। हम लोग मंदिर में एंट्री कर चुके हैं और ये पहला घंटा छुटकी अभी तुम सो रही थी ना है? हाय बोलो हाय। इस बंदे को देखिए, सुबह हम जब उठा रहे थे तो ये न उठ के और नहाया भी नहीं, जब नहाया नहीं है तो ये मंदिर में जा भी नहीं रहा है। देखिए कितना अधर्मी कितना पापी है ये इंसान। ये मंदिर है, यहाँ पे फोटो खींचना भी मना है। देखते हैं चोरी से खींच लिया। माउंट आबू में सबसे पहले हम लोग रुके हैं श्री शंकर मठ और वहाँ पे एक शिवलिंग है जिसका नाम है अरबर विश्वनाथ महादेव। फिलहाल तो फोटो खींचना मना था तो दिखा नहीं पाया आपको, तो दर्शन कर लिए हैं हम लोग। बाकी यहाँ के नज़ारे की बात करें तो नज़ारा बहुत खूबसूरत है। पहला स्टॉप हमारा माउंट आबू का ये पहला स्टॉप है श्री शंकर मठ, यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किया है। बाकी लोगों ने दर्शन कर लिया है। करीब 18 किलोमीटर की चढ़ाई में सारे लोग थक गए हैं, सिर्फ मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो थका हुआ नहीं हूँ। अभी बहुत घूमना है। हम लोग पहुँच रहे हैं अब नक्की झील की तरफ। और ये रहा नक्की झील का खूब नज़ारा आपके सामने। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित नक्की झील हरी भरी अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित एक सुंदर और चमकदार झील है। यह लेक पहाड़ उद्यान और चट्टानों से घिरा हुआ है। मानसून सीजन में आप अपने प्रियजनों के साथ इस झील के मनमोहक हवाओं का आनंद लेने आ सकते हैं।
यह एकमात्र भारतीय कृत्रिम झील है जो समुद्र तल से 1200 किलोमीटर ऊंचाई पर बनाई गई है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं सोमनाथ मंदिर। कात्यायनी देवी मंदिर का दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंचे हैं सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ महादेव मंदिर। अब यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग आएंगे दिलवाड़ा, राजस्थान के दिलवाड़ा में। तो सोच रहे हैं जल्दी जल्दी हम लोग घूम के अब चला जाए, क्योंकि कल हमारा ट्रेन भी है अहमदाबाद से मऊ के लिए। तो थोड़ा सा अब घूमेंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर ये जो नज़ारा देख रहे हैं आप लोग, सोमनाथ महादेव मंदिर का, मंदिर परिसर का ये नज़ारा है। ये सोमनाथ महादेव मंदिर के अंदर का नज़ारा है। अगर अंदर मोबाइल अलाउ रहेगा तो फिर हम आपको अंदर का दर्शन कराते हैं, नहीं तो फिर बाहर का ही आपको दर्शन करा के फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं दिलवाड़ा के लिए। अपन ना बनाते हैं। ये सोमनाथ महादेव मंदिर के अंदर का नजारा है, आइए आपको दर्शन कराते हैं। उन्हीं के बगल में सूर्य नारायण मंदिर और ये है अष्ट दिक्पाल, विद्या गणेश, भगवान वेद व्यास। भगवान श्री शंकराचार्य राज राजेश्वरी और ये परिक्रमा पथ।
सामने आपको दिख जाएगा भगवान नटराज का मूर्ति और पास